आज जयदेव कपूर की जयंती है। उनका जन्म 24 अक्टूबर 1908 को उत्तर प्रदेश के हरदोई में हुआ था। कानपुर के डीएवी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वे शिव वर्मा के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। 1925 में जयदेव को बनारस में क्रांतिकारी नेटवर्क विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसलिए उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बीएससी पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया। वहां भगत सिंह उनके साथ कई दिन तक लिम्बड़ी हॉस्टल में रहे। जयदेव कपूर ने आगरा में बम बनाने का प्रशिक्षण लिया था। उन्होंने ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में असेंबली में बम गिराने की घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जयदेव कपूर को गिरफ्तार कर लिया गया और अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल भेज दिया गया, जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता था। जयदेव ने अपने अंतिम समय में भगत सिंह और अन्य साथियों से मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। भगत सिंह ने अपने नए जूते ये कहते हुए जयदेव को दिए थे कि पुलिस उन्हें छीन लेगी और कम से कम जयदेव कपूर तो उन्हें पहन सकेंगे। जयदेव कपूर ने उन जूतों को स्मृति के रूप में संभाल कर रखा। वे सेलुलर जेल में 16 वर्ष रहे और स्वतंत्रता से कुछ वर्ष पहले रिहा किए गए। आज लक्ष्मी सहगल की भी जयंती है। उनका जन्म 24 अक्टूबर 1914 को मद्रास में हुआ था। लक्ष्मी के पिताजी का नाम एस स्वामीनाथन और माताजी का नाम एवी अम्मुकुट्टी था। अम्मुकुट्टी स्वामीनाथन सामाजिक कार्यकर्ता और स्वाधीनता सेनानी थी, जो बाद में भारत की संविधान सभा की सदस्य भी बनी। हाई स्कूल करने के बाद लक्ष्मी ने मद्रास मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 1938 में MBBS की डिग्री हासिल की। इस दौरान लक्ष्मी और उनका परिवार स्वाधीनता संघर्ष में भी शामिल रहा। 26 वर्ष की युवा डॉक्टर लक्ष्मी 1940 में सिंगापुर चली गईं। उन्हें पता चला कि सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज में महिलाओं को भर्ती करने के इच्छुक हैं। जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए तो लक्ष्मी ने उनसे मुलाकात का आग्रह किया। नेताजी से मुलाकात के बाद लक्ष्मी को महिला रेजिमेंट बनाने की जिम्मेदारी मिल गई। इस रेजिमेंट को रानी झांसी रेजिमेंट नाम दिया गया। इस तरह डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन कैप्टन लक्ष्मी बन गईं। दिसंबर 1944 में आजाद हिंद फौज ने बर्मा के लिए कूच किया। मार्च 1944 में जापानी सेना ने ब्रिटिश भारत के पूर्वी क्षेत्र पर हमला शुरू किया। आजाद हिंद फौज के स्पेशल सर्विस ग्रुप को नया रूप दिया गया। उन्नत जापानी यूनिट के साथ इसका नाम बहादुर ग्रुप रखा गया। इसकी मदद से जापानी सेना ने ऊपरी बर्मा क्षेत्र और मणिपुर में बढ़त बनाई। ब्रिटिश सीमा क्षेत्र में इस बहादुरी भरे कार्य में बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक शामिल थे, जिससे उनमें अंग्रेजों को परास्त करने का उत्साह पैदा हुआ। मई 1945 में कैप्टन लक्ष्मी को ब्रिटिश सेना ने गिरफ्तार कर लिया। वे बर्मा के जंगलों में मार्च 1946 तक नजरबंद रही, तब उन्हें भारत भेज दिया गया। कैप्टन लक्ष्मी ने मार्च 1947 में आजाद हिंद फौज के कर्नल प्रेम कुमार सहगल के साथ विवाह किया। विवाह के बाद दोनों लाहौर से कानपुर आ गए, जहां उन्होंने विभाजन के कारण विस्थापित लोगों की चिकित्सा सेवा की। इससे हिंदुओं और मुसलमानों में विश्वास और भाईचारा बढ़ा। 1998 में लक्ष्मी सहगल को पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। 23 जुलाई 2012 को 97 वर्ष की उम्र में हृदय गति रुकने से कानपुर में लक्ष्मी सहगल का निधन हो गया। 24 अक्टूबर रफी अहमद कदवई की भी पुण्यतिथि है। रफी अहमद कदवई का जन्म उत्तर प्रदेश की बाराबंकी जिले में 18 फरवरी 1894 को हुआ था। कदवई 1920 के दशक में खिलाफत आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय रहे। उस समय तक वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य के रूप में जाने जाते थे। उन्हें असहयोग आंदोलन के दौरान जेल हुई और 1922 में वे रिहा किए गए। किदवई संयुक्त प्रांत से संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता के बाद उन्हें पहला संचार मंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने पहली रात्रिकालीन एयरमेल सेवा का उद्घाटन किया। उसके बाद किदवई को कृषि मंत्री बनाया गया। 24 अक्टूबर 1954 को रफी अहमद किदवई का निधन हो गया।